नमस्कार मित्रों, अगर ब्रह्मांड ने आपको किसी खास उद्देश्य के लिए चुना है तो आप कोई साधारण इंसान नहीं हो। ब्रह्मांड में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति साधारण होता है, लेकिन उससे असाधारण एवं महान कार्य करवाए जाते हैं। उस साधारण व्यक्ति को असाधारण और महान बनाने के लिए ब्रह्मांड के द्वारा उसको कई तरह के नियम और प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है और उसमें वह उत्तीर्ण हो जाता है तो उससे असाधारण कार्य करवाए जाते हैं और वह महान व्यक्ति कहलाता है। अगर आपको भी ब्रह्मांड ने किसी खास उद्देश्य के लिए चुना है तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं? कौन से संकेत है जो हमें बताएंगे कि ब्रह्मांड हमें एक असाधारण इंसान बना रहा है? आज की इस प्रस्तुति में हम इसी बात को जानेंगे। तो प्रस्तुति को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम वचन देते हैं कि इस प्रस्तुति में आप कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। मित्रों, परमात्मा ने हमें सिलेक्ट किया है तो हमें कुछ डिफरेंट बनाता है, कुछ विशेष रूप से बनाता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा, जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, जिससे यह सारा ब्रह्मांड संचालित है, वह परमात्मा अगर आपको चुनता है अपनी सृष्टि के रहस्य को उजागर करने के लिए, तो आपको बहुत सारे संकेत दिए जाते हैं। आपको बहुत तरीकों से बताया जाता है कि आप कुछ विशेष है, आपके ऊपर कोई खास कृपा है, कुछ खास ब्लेसिंग्स है। तो कौन कौन से इशारे होते हैं जो यह बताते हैं कि आप सिलेक्टेड है? तो जब आपको परमात्मा के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है तो पहला इशारा यह है, आपके अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, माया, लोभ, अहंकार जैसी भावनाएं बिल्कुल ना के बराबर होती है। थोड़ा बहुत संसारी रूप में दिखाने के लिए रह सकती है यह चीजें, लेकिन ना के बराबर होती है, कम होने लगती है, मिनिमम होने लगती है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह भावना शून्य के बराबर होगी। आप इन भावनाओं की अलग अलग स्टेज पर हो सकते हैं। तो हो सकता है कि कभी कभार आपको थोड़ा बहुत गुस्सा आता हो, थोड़ा बहुत लोभ का अंश आपके अंदर आता हो। यह चीजें आपके अंदर होती है, लेकिन आप पर हावी नहीं हो सकती, आपका उन पर पूरा कंट्रोल होता है। कभी कभार गुस्सा करना भी जायज होता है। कोई हमारे देश का अपमान कर दे तो हमें गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा हम पर हावी नहीं हो जाता, लेकिन हम गुस्से पर पूरा कंट्रोल रख सकते हैं। यह भावनाएं आपके अंदर आती जरूर है, आने तक का आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके बाद आप उन पर कंट्रोल पाकर उसे ओवरकम कर सकते हो। तो आप निश्चित ही परमात्मा के द्वारा सिलेक्टेड इंसान हो, आप एक विशेष हो, आप पर परमात्मा की एक खास अनुकंपा है। नंबर दो, अगर आपके दिल में भी परमात्मा की याद हमेशा बनी रहती है, दिन भर में संसार के कामकाज के बीच में भी कहीं ना कहीं परमात्मा के साथ एक डीप कनेक्शन बना रहता है, तो आपको यह पता चलाता रहता है कि आप जो भी कर रहे हैं वह सब परमात्मा को समर्पित है, तो निश्चित रूप से आप परमात्मा के द्वारा चुने हुए हैं। आप विशेष है, आप असाधारण हैं, आप दुनिया से डिफरेंट हो। ऐसा नहीं है कि आप काम इग्नोर कर दोगे और सारा दिन बैठकर हरे रामा हरे कृष्णा करते रहेंगे। काम संसार के करेंगे, बेहतरीन ढंग से करेंगे, खूबसूरती के साथ करेंगे, इतनी खूबसूरती के साथ करेंगे कि इस संसार के कामों को पता ही ना चले कि आपका मन किसी और चीजों में भी लगा हुआ है, परमात्मा में लगा हुआ है। संसार के काम इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपको उन कामों से समय मिलेगा, अपना सुबह और शाम का समय उस परमात्मा की भक्ति में बिताएंगे, उस परमात्मा की याद में अपना समय बिताएंगे, नामस्मरण में बिताएंगे, आराधना में बिताएंगे और उनकी अनुभूति आप कर पाते हैं। आप में एक एहसास बना रहता है, याद बनी रहती है, नाम स्मरण बना रहता है, तो आप निश्चित रूप से सिलेक्टेड है, असाधारण है, विशेष है। नंबर तीन, अनेक तरह की अलौकिक चीजें आपको महसूस होने लगती है, सपनों में या फिर डायरेक्टली साधु संत पॉजिटिव लोगों का आ जाना। जरूरी नहीं है कि साधु संत ही नजर आए, लेकिन संत जैसी प्रवृत्ति के लोग के दर्शन होने लगेंगे। कई ऐसी चीजें होगी जो अलौकिक होगी, आपको लगेगा कि मेरे साथ कोई पॉजिटिव शक्ति हमेशा मौजूद है, परमात्मा से जुड़ी हुई कोई भी चीज है, जैसे कि पंख का मिल जाना, सुबह सुबह घंटियों का सुनाई देना, ओमकार की ध्वनि सुनाई देना, या हर जगह आपको एहसास बना रहता है कि कोई मेरे साथ है, कोई मेरी सहायता कर रहा है।
कोई मुझे गाइडेंस दे रहा है, तो ऐसा एहसास भी आपको असाधारण बनाता है। आप सिलेक्टेड है, आप भीड़ का हिस्सा नहीं है, आप दुनिया से अलग है। नंबर 4, अगर आप समाज के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए भी पुण्य कार्य के लिए समय निकाल पाते हैं, आप मुसीबत में फंसे हुए गरीब, लाचार और असहाय लोगों की यथासंभव मदद करते हैं, आपदा और विपदा में मनुष्य और पशुओं की हर तरह से सहायता करते हैं, वृद्ध, असहाय, अपंग लोगों की समर्पित भाव से सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं, तो निश्चित रूप से आप सिलेक्टेड है, आप असाधारण इंसान हैं। यह सबके बस का खेल नहीं है, सब ऐसा नहीं कर पाते हैं। बार बार आपके मन में यह फीलिंग आती है और इस फीलिंग को आप कार्यान्वित भी करते हैं तो आप साधारण नहीं हैं। निश्चित रूप से आप संसार के लिए आदर्श बनते हैं। अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर अगर समाज के लिए आप कोई कार्य करते हैं तो आप साधारण नहीं रह जाते, आप विशेष हो जाते हो, आप महान हो जाते हो। नंबर 5, आपकी छठी इंद्रिय सक्रिय होती है, आपको पूर्वाभास होता है, आगे होने वाली घटनाओं का अंदाजा लग जाना ऐसे लोगों को ज्यादा होता है, इनको पता लग जाता है जीवन मृत्यु के बारे में, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में। ऐसे लोग जो इस तरह की बातों से कनेक्टेड हो, इनकी बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कभी कभी सामान्य रूप से कोई बात कह देना कि नहीं नहीं यह चीज ऐसे नहीं, लेकिन इस तरह से करना चाहिए। अगर यह ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई दिव्य शक्ति इनके माध्यम से हिंट दे रही है कि यह काम इस तरह से करना चाहिए। आपके द्वारा दिए हुए निर्देश आपके अंदर से आते हैं, आपकी अंतरात्मा से आते हैं, वह निर्देश आपको दिव्य शक्तियां गाइड करती हैं। आपका कोई भी फैसला अपने आप से नहीं होता, वह दिव्य शक्तियों के द्वारा संचालित होता है। तो निश्चित रूप से आप सिलेक्टेड हो, आप विशेष हो। छठा संकेत, आपको एक विशेष तरह की सुगंधि का एहसास होता है। ऐसा कई लोगों को होता है तो कई लोगों को नहीं भी होता है। भले ही आसपास कोई सुगंधि ना हो, लेकिन उनके अंदर ऐसा एहसास बना रहता है। इनके अंदर एक प्रफुल्लता बनी रहती है, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है, इनके अंदर से एक सम अवस्था जैसी बनी रहती है। यह 3-4 जो बातें बताई वह एक दूसरे से जुड़ी रहती है, और यह जो सम अवस्था का आपके अंदर आ जाना, यह कोई मजाक नहीं है, यह एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपको ऐसा एहसास रहता है तो आप एक सिलेक्टेड इंसान हो, आप चुने हुए हो। 7वां संकेत, ब्रह्मा मुहूर्त में आपकी आंख खुल जाना। आप ब्रह्मा मुहूर्त में सोए रह ही नहीं सकते। सुबह 3 से लेकर 5 के बीच का जो समय है, यह पूरा समय ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त देवताओं का समय है, ब्रह्मा मुहूर्त परमात्मा का समय है, दिव्य शक्तियों का समय है। अगर ऐसे समय में आपकी निश्चित रूप से आंख खुल जाएगी, आप इस समय में उठ जाओगे और आपको कोई महाशक्ति आपको प्रेरित करेगी कि आप कुछ अच्छे काम करो, आपको कुछ हिंट देगी, आपको साधना में जगाएगी। ऐसे लोग सुबह उठकर मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को एफर्मेशन देते हैं, प्राणायाम करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं और जन कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे लोग सच में असाधारण होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, महान होते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप पर भी परमात्मा की विशेष कृपा है। 8वां संकेत, आप अपने जीवन में परमात्मा को ही सब कुछ मानते हैं। अब आपको यह लगता है कि यह जो मित्र, सगे संबंधी, साथी, आसपास के लोग और चीजें, यह सब तो ठीक है, लेकिन वास्तविक मेरा जो उद्देश्य है, आप अपने उद्देश्य को एक मिनट भी नहीं भूलते, मन में याद रहता है, एक प्रेरणा आपके अंदर लगातार काम करती है जो आपको बताती रहती है कि आप एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आए हो। आपको बार बार याद दिलाया जाता है, आप में उस परमात्मा की अनुभूति बनी रहती है, आपको अपने लक्ष्य की अनुभूति बनी रहती है, आपको इस संसार से जुड़ा हुआ भी रखती है, लेकिन आप अपने लक्ष्य पर लगातार आगे बढ़ते रहते हो। ऐसे लोग विशेष होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं और असाधारण होते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह लोग जब इस तरीके से काम करते हैं तो यह लोग परमात्मा के प्यारे होते हैं, संसार में भी फेमस होते हैं।
और संसार में से जब जाते हैं तो बाद में भी उनकी जय जयकार होती है। तो आप में इनमें से कितने संकेत है जो आपसे मैच करते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी मूल्यवान बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस प्रस्तुति को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।